लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला के 57 छात्रों को फेल किए जाने के बाद CBSE बोर्ड 12वीं के छात्रों ने विद्यालय प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने के संबंध में जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस मौके पर छात्रों ने बताया कि CBSE बोर्ड के 12वीं का परिणाम घोषित होने के बाद विद्यालय के 57 छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया। जब इस संबंध में प्रधानाचार्य और प्रबंधक से बात किया गया तो उन लोगों ने बात करने से इनकार कर दिया। छात्रों ने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से न्याय दिलाने के लिए मांग की, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वस्त किया है कि इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र सुशांत नायक एवं वीरेंद्र बिट्टू पटेल ने कहा, समस्या हमारे लोग की ऐसी है, 57 बच्चे पढ़ रहे थे और उन बच्चों को फेल कर दिया गया। किस स्कूल में? LPM पब्लिक स्कूल लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल स्कूल है, CBSE बोर्ड से, गोला बाजार स्कूल है, CBSE बोर्ड से। 12वीं के तो सबका परिणाम बच्चों का क्यों? सब साथ में बच्चे आए हैं, ये रीजन नहीं मालूम। जी, मेरा नाम सुशांत नायक है। हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हमारे क्लास मतलब हमारे बैच के 12वीं के बैच के कुछ बच्चों को बिना किसी वजह के बिना किसी बेस के बेसिस पे इन्होंने हमारे बैच के बच्चों को फेल कर दिए हैं। और जो बच्चे को नाम तक लिखने नहीं आता है, जो बच्चे कभी क्लास अटेंड तक नहीं किए, ना प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं ना ही प्रैक्टिकल दिए हैं, उन्हें पास कर दिया, वो भी अच्छे नंबरों के साथ, ठीक है। और हम लोग को बिना किसी बेस के बिना किसी जजमेंट के इन्होंने हमें आंख बंद करके ऐसे फेल कर दिया, वो भी पता नहीं किस कारण किस रीज़न से हमें फेल किया, हमें मालूम भी नहीं है। और जब हम अपने अपने क्या बोलते हैं न्याय के लिए, अपने इंसाफ के लिए जब हम गए स्कूल में पता करने के लिए, तो हमारे गार्जियन कुछ हमारे बैच के बच्चों के गार्जियन साथ में गए थे, उनके साथ गलत व्यवहार करके उनको धमकी दी जाती है कि आप चले जाइए नहीं तो आपको पुलिस से मार खिलवा देंगे, जेल भेजवा देंगे, ये करा देंगे। गार्जियन से गलत व्यवहार रखा गया, फिर दो कुछ टीचर हमारे पक्ष में बात किया, उनसे उनके साथ भी गलत व्यवहार किया गया। अब मेरी यही मांग है, हम सारे बच्चों की यही मांग है कि हमारे हित में न्याय और हमें इंसाफ मिले, जैसे सारे बच्चों को पास किया गया है, हमें भी सब उन सब की तरह हमें भी पास किया जाए, क्योंकि CBSE बोर्ड उन्होंने हमें कैबिन में बुलाया, हमसे पूछा क्या बात है क्या रीज़न है, हमने सारी रीज़न बताई, तो उन्होंने किसी को बुलाया और फिर उन्होंने पेपर लेके किसी मतलब उन्होंने कहा कि पूरे जो भी एक होता है ना लीगल तरीके से पूरा जांच पड़ताल करके अब हमें इंसाफ दिलाएंगे। अब हमें यही उम्मीद है मजिस्ट्रेट सर से भी कि ये हमारे पेपर में कुछ जाँच करेंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे और हमें भी प्रमोट किया जाएगा जैसे सारे बच्चों को किया गया है। मेरा नाम वीरेंद्र बिट्टू पटेल है। हम गुहार लगा रहे हैं सर कि 57 बच्चे जो फेल हो गए हैं वो सही पूर्ण रूप से जांच करवा के आगे की कार्रवाई की जाए, बच्चों को न्याय दिलाया जाए। बस।